पूर्व क्रिकेटर और नेशनल क्रिकेट एकेडमी के अध्यक्ष राहुल द्रविड़ ने आईपीएल में नौवीं टीम का समर्थन किया है। द्रविड़ ने कहा कि आईपीएल विस्तार के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि देश में मौजूद टैलेंट और क्वालिटी और क्वांटिटी से समझौता किए बिना लीग में टीम बढ़ाई जा सकती है। द्रविड़ ने कहा कि इससे अनकैप्ड खिलाड़ियों को अपना टैलेंट दिखाने का ज्यादा से ज्यादा मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि टी नटराजन, फर्डिकल और तेवतिया का जैसे प्लेयर्स को फायदा हुआ है। ऐसी चर्चा है कि आईपीएल 2021 में 9 टीमें होंगी, वहीं 2023 में लीग में 10 टीमें खेल सकती हैं। ये बीसीसीआई के लॉन्ग इन टर्म में शामिल है। द्रविड़ ने कहा, अगर ज्यादा टीमें होंगी तो कई टैलेंटेड खिलाड़ियों को मौका मिल सकेगा, इससे आईपीएल का स्तर और सुधरेगा। उन्होंने कहा कि कई नए चेहरे और टैलेंट हैं जो ज्यादा खेलने पर और उभर सकेंगे। उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के राहुल तेवतिया का उदाहरण देकर कहा कि आईपीएल की वजह से वे तेवतिया जैसे खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखा सकेंगे। द्रविड़ ने कहा, इससे पहले खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी और ट्रस्ट एसोसिएशन पर निर्भर रहना पड़ता था। हरियाणा जैसे राज्य में यजुवेंद्र चहल, अमित मिश्रा और जयंत यादव ने बेहतरीन स्पिनरों के सामने तेवतिया को लिमिटेड चांस ही मिलता है, लेकिन अब अपना टैलेंट दिखाने के लिए सिर्फ टेस्ट एसोसिएशन पर सीमित नहीं रहना होगा। द्रविड़ ने देवदत्त फडकल और टी नटराजन को भी उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, देवदत्त फडकल ने विराट कोहली को और एवी डी विलियर्स जैसे प्लेयर्स के साथ बल्लेबाजी की है, ये एक्सपीरियंस उन्हें काफी काम आएगा, जबकि टी नटराजन ने डाटा क्वालिटी की वजह से अपने यॉर्कर पर काम किया है, अब वो टीम इंडिया के लिए खेल रहे हैं। उन्होंने मुंबई इंडियंस की भी तारीफ। राहुल द्रविड़ ने कहा कि मुंबई की कोर टीम स्ट्रांग है। उन्हें कोर टीम में वर्ल्ड क्लास की T20 प्लेयर्स और युवा टैलेंटेड का मिश्रण किया है। उन्होंने अपनी टीम को चैंपियन लायक बनाया है।